कैंपस में कंपनियां आती हैं, ठीक है, मैं सभी कंपनियों का ओवरव्यू आपके सामने आता है। टाटा है ना, टाटा आती है, आप में मारुति भी आती है। बात करेंगे सैलरी के बारे में, इनके में सैलरी कितनी मिलती है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ, ऑन एन एवरेज तो 50 के आप मान सकते हो, हाईएस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 40 की गई थी पूसा में। मैं के लिए ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा मास्टर आदमी सब कुछ आपको बता सकता हूँ, मैं आपको जितना मेरे को पता है ना, मैं आपको दोनों ही चीज़ों में आपको बिल्कुल सही सही चीज़ें बता सकता हूँ। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे मेरे पे कि भैया प्लीज आप प्लेसमेंट की वीडियो बनाओ और एसएससी जेई की वीडियो बनाओ। इन दोनों ही टॉपिक्स को बनाने के लिए मेरे पे बहुत ज्यादा डीएम आए थे आप सबके और बहुत ज्यादा कमेंट भी आए थे कि भैया प्लीज इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो लीजिए, आज के वीडियो में हम दोनों ही टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले और आपके लिए सेपरेट मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर। एक तो आपका प्लेसमेंट हो गया, दूसरा एसएससी जेई हो गया, राइट। सबसे पहले वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा करना चाहता है या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहता है, बात एक ही होती है, मैं डिप्लोमा बोलूं या फिर पॉलिटेक्निक, बात एक ही है। एंड उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, राइट। तो आज की जो हमारी वीडियो, उसके अंदर मैं सबसे पहले आप सभी को तीन चीजों में कैटेगराइज करता हूं। सबसे पहले या तो आप देखिए, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो देखो उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो आप जितने भी स्टूडेंट हो, आप सब तीन कैटेगरी में आते हो। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट है कि जो डिप्लोमा करना चाहते हैं, और डिप्लोमा करने के बाद देखो तीन चीजें होती है, या तो आप क्या करोगे, कैटेगरी वन, जो फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो प्लेसमेंट ही लेना चाहते हैं सिर्फ, यानी कि प्लेसमेंट ही चाहिए उनको। एंड दूसरी कैटेगरी में मैंने उनको रखा हुआ जो एसएससी जेई करना चाहते हैं, और तीसरी कैटेगरी में वो सभी स्टूडेंट जो आगे चल के बीटेक करना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, अब देखो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, अब तो कोई ऐसा भी सोच सकता है कि भैया मैं तो प्लेसमेंट भी चाहता हूं, एसएससी जेई भी चाहता हूं, तो भाई वो अलग चीज है। मैं सिर्फ इस वीडियो में तीन कैटेगरी में मैंने आपको बांट दिया है, बाकी कोई भी दो कैटेगरी में अप्लाई करते हो तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, यानी कि तो तीसरा ग्रुप था ना जो बीटेक वाले बच्चे थे, यानी कि भैया हम बीटेक किस तरीके से कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद, यानी कि डिप्लोमा कर लेते हो अगर आप, तो डिप्लोमा करने के बाद आपको बीटेक में डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। तो यहां पे ये सारा प्रोसेस अभी हम बीटेक वाले बच्चों के लिए वीडियोस में बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि बीटेक करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा बीटेक के बारे में, यानी कि बीटेक आप किस तरीके से कर सकते हो और डिप्लोमा के बाद, राइट, सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जो हमारी आज की वीडियो, उसके अंदर सिर्फ दो ही स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले, कैटेगरी वन जो कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं और कैटेगरी टू जो सिर्फ एसएससी जेई के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो दो ही कैटेगरी के बच्चों के लिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, इन दोनों से रिलेटेड मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं। सबसे पहले आपका होगा कैंपस प्लेसमेंट के नाम से एक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और दूसरा आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जेई के नाम से। अगर आपसे कभी भी फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस हो जाती है इन दोनों से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि हमने कोई वीडियो इससे रिलेटेड डाली है या फिर नहीं डाली है, क्योंकि मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर, राइट। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसमेंट के बारे में, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों कैटेगरी में बांट दिया, एक तो आपका प्लेसमेंट हो गया और दूसरा आपका एसएससी जेई के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट में प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि कैंपस कंपनी जो आपकी आती है उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो अगर आप दिल्ली पॉलिटेक्निक में हो तो वहां पे तो 110% आपका कैंपस प्लेसमेंट होने के चांसेस है, वो आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं कह रहा कि मैं एक क्लास में 100 बच्चे सभी का प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। देखो कैंपस में कंपनियां आती हैं, ठीक है, मैं सभी कंपनियों का ओवरव्यू आपके सामने रखूंगा, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने कलेक्ट कर लिए जिन पे मेल आते हैं, जैसे मेरे पे भी बहुत सारे मेल आए थे जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो वो सारी कंपनियों के मेल होते हैं। अब उस कंपनियों के मेल को आपको मैं दिखाऊंगा और उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है, राइट। अब यहां पे आपको मैं सबसे पहला क्लियर करना चाहता हूं कि भैया दो तीन कंपनियों के पहले तो आप नाम बता दीजिए जो हमारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां 100% आती है आपने, और मैं नाम बताता हूं। पहला आपका है टाटा, है ना, टाटा आती है आप में, मारुति भी आती है। अब ऐसा नहीं कह रहा सभी कॉलेजेस में आती है, भाई कुछ कुछ कॉलेजेस में आती है, कुछ कुछ कॉलेजेस में नहीं आती, है ना। और आपके एलएनटी भी आती है बहुत सी कंपनी, बहुत से कॉलेजेस में आपका टाटा हो गया, मारुति हो गया, एलएनटी हो गया, और आपका एक है जीआर, यानी कि ग्रिल भी आती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और मैं आपको नाम दिलाऊं तो आपका आता है एक अमेजोन, है ना, यानी कि बहुत सारा नेमर्स, बहुत ज्यादा कंपनियां, मैं बता नहीं सकता आपको, है ना, यानी कि बहुत सारी कंपनियां आती है, मैकडरमोट आती है, यानी कि बहुत ज्यादा कंपनियां आती है। लेकिन मेन जो आपकी फेमस कंपनियां थी उन सबका नाम लिख दिया मैंने। अब यहां पे देखिए मैंने कुछ कंपनियों के नाम बता दिया आपको, अब इसको मैं रफ कर लेता हूं यहां से, सबसे पहले इसको मैंने रफ कर लिया है। अब यहां पे देखो हम जो है इसकी जो प्लेलिस्ट बनाएंगे, यानी कि
कैंपस प्लेसमेंट की जो आपकी प्लेलिस्ट बनेगी, क्या क्या चीजें हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आपको किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट लेना है तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या होता है, यानी कि आपको क्या चीज आप में नहीं होनी चाहिए। मतलब मान लो कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिस जो ये बोलती है कि आपका बैक नहीं होना चाहिए, बैक होगा तो आप नहीं बैठ सकते हो कंपनी में। तो इस टाइप की चीजें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता क्या क्या है, यानी कि एक कंपनी में बैठने के लिए, सिर्फ अभी प्लेसमेंट नहीं हुआ, सिर्फ बैठने के लिए आप एग्जाम दो कंपनी का। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो उसका कुछ सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। एक तो सबसे पहले वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी आपसे, यानी कि आपका टेक्निकल एग्जाम होगा, और हो सकता है टेक्निकल के बाद आपका एप्टीट्यूड एग्जाम भी हो जाए। एप्टीट्यूड एग्जाम में सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना तो वहां पे एक एक टॉपिक को मैं उठाऊंगा, वहां पे सारी चीजें क्लियर होगी। और तीसरा चीज ये कि आपका एक पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक ही साथ क्लियर करूंगा जब मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। तो हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, यानी कि हमें सैलरी कितनी मिलती है, सबसे बड़ा मुद्दा है यही तो है। अगर आपने वीडियो देख ही रहे हो तो कोई नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखो भाई, अगर मैं एवरेज की बात करूं, ऑन एन एवरेज तो 50 की आप मान सकते हो, हाईएस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपकी 40 की गई थी पूसा में मैकेनिकल की, है ना। मैंने आपको बता दिया है, जो बात में सच्चाई होती है मैं बताता हूँ। ऑन एन एवरेज जो है आपका 15 जा सकता है। अब बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है भाई जो 10 और 12 भी देती है, तो मैंने तो भाई जो चीज थी वो क्लियर कर दिया आपको, लेकिन बहुत कम कंपनियां होती है वो, और बहुत कम ऐसी भी कंपनियां होती है जो 40 के देती है, है ना, यानी कि 40,000 देती है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो भी अच्छी कंपनी होती है मिडल यानी कि बीच में, वो सभी आपको इतना तो नहीं देंगे, 15K के आसपास, राइट। इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इन तीनों चीजों के ऊपर टॉपिक को कवर कर रहेंगे, है ना, जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो। एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए आपका क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस सिलेक्शन, यानी कि हम अभी से अगर हम चाहते हैं कि प्लेसमेंट लेना तो हम कैंपस सिलेक्शन के लिए कैसे हम प्रिपेयर हो सकते हैं, तो इस चीज को भी हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज क्लियर कर दूं, कोई भी स्टूडेंट ये ना कमेंट करे कि भैया क्या आपने एसएससी जेई कर रखी है। भाई मैंने एसएससी जेई नहीं कर रखी है, ठीक है। मेरे को जितने भी नॉलेज है इसके बारे में, है ना, जो जो मुझे बुक्स पता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर पता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। अब यहां पर देखो, प्लेसमेंट के लिए, हाँ भाई मेरी प्लेसमेंट हुई थी, है ना, हुई थी मेरी प्लेसमेंट। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं अपने बारे में ही बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम रुको आप अभी, राइट। अब यहाँ पे देखो, मुझे प्लेसमेंट के लिए तो सारी चीजें पता है भाई, एसएससी जेई के लिए ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा मास्टर आदमी सब कुछ आपको बता सकता हूं। मैं आपको जितना मेरे को पता है ना, मैं आपको दोनों ही चीजों में आपको बिल्कुल सही सही चीजें बता सकता हूं, ठीक है। एक तरीके से आप मुझे सीनियर मानो, मैं आपको गाइड कर सकता हूं। अब यहां पे आगे देखो, आप किस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस सिलेक्शन, यानी हम कैंपस सिलेक्शन के लिए अभी से कैसे प्रिपेयर होना स्टार्ट करें भैया। तो यहां पे देखो, हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो कंपनियों का एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है, है ना, किस तरीके से आपकी कंपनियों का पैटर्न होता है, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बुक से मिलते भी है या फिर नहीं मिलते, कुछ अलग तो नहीं आता, मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि आप अब नए बच्चे हो तो आप सबको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होती है, उन सबको पता है कब पता लगता है, जब कंपनी आने वाली होती है, एक दो कंपनी का एग्जाम देते हैं, वहां पर कुछ फेलियर टाइप का आ जाता है, तब उन्हें पता चलता है। देखो मैं अभी से आपको थोड़ी बहुत चीजें बताना स्टार्ट करूंगा, राइट। और उसके बाद देखिए आप, एंड हमारा इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका बेस्ट बुक के ऊपर, यानी कि हमें बेस्ट बुक कौन सी अपनानी चाहिए, यानी कि हम कौन कौन सी ऐसी बुक को हम अभी से परचेस कर ले कि हमें उससे हम तैयारी करते रहे। यानी कि जैसे कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो आपका टेक्निकल आपका होता है, तो टेक्निकल राउंड के लिए आप अभी से एक बुक परचेस कर लो, वहां से हल्के फुल्के टेक्निकल क्वेश्चन करते रहो। और दूसरा चीज है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, रीजनिंग टेस्ट होता है, तो इसके लिए भी आप कुछ बुक परचेस कर लो, ताकि आपको सारी, मतलब कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो वहां पे। एंड दूसरा देखिए, यहां पे मैं हम बात करेंगे बेस्ट बुक की, आपको सभी बेस्ट बुक दिखाऊंगा, आपको मैं अभी दिखा दूं, थोड़ी बहुत मेरे पे रखी हुई है, देखो मैंने निकाल के रखी हुई थी, ये आपकी एप्टीट्यूड के लिए देख सकते हो आप पूरी, ये एप्टीट्यूड के लिए हो गई आपकी, और यहां पे आपका ये हो गया टेक्निकल के लिए पूरा, है ना। मैं दिखाऊंगा आपको ये सारी चीजें एक वीडियो में, सारी बुक्स आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, राइट। अब उसके बाद यहां पे देख सकते हो आपका है बेस्ट स्ट्रेटजी, यानी कि भैया अगर हमें प्लेसमेंट लेना है तो आप हमको कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी बताइए, यानी कि हम किस तरीके से, मतलब किस तरीके से अपने आप को स्टार्ट करें धीरे धीरे, ताकि कैंपस सिलेक्शन में एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। तो ये चीज मैं आपको कवर करूंगा हर वीडियो में, यानी कि देखो सबकी ना, इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर सभी चीजें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, है ना। सबसे पहले मैं आपको कुछ कंपनियों को दिखाऊंगा, राइट, यानी कि कुछ कंपनियों को दिखाने का मतलब क्या है, जो भी कंपनी आपके कॉलेज में आती हैं उनके बारे में सारी चीजें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, और वो मेल के थ्रू, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम किसी भी कंपनी को उठा लूं और वहां से स्टार्ट कर दूं, नहीं, जो मेल आया होगा बच्चों पे ना, जो आपके सीनियर्स है उन पे जो मेल आया होगा, उन्हीं चीजों को मैं यहां पे दिखाऊंगा,
राइट ये चीज तो क्लियर हो गई। तो ये था हमारा ऑल अबाउट कैंपस प्लेसमेंट, यानी कि जो कैंपस प्लेसमेंट में जो सारी चीजें होती है उन सभी का एक प्लेलिस्ट बनेगा। एंड देन हमारा यहाँ पे देखो उसके बाद हमारा क्या एसएससी जेई के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले यहां तक आपको क्लियर हो गया है ना, आप सब आज की वीडियो में पक्का कमेंट करोगे, मेरे को बताओगे आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप नहीं बताते हो ना प्लीज आप सबको बताना है। राइट ये चीज तो आपको मैंने क्लियर कर दी और ये आपका पूरा कैंपस प्लेसमेंट के मैंने क्लियर कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी क्या हो सकती है और हम अभी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस सिलेक्शन। राइट एंड देन हमारा उसके बाद है एग्जाम पैटर्न के बारे में, हम इसके अंदर बात करेंगे बुक्स, बेस्ट बुक के बारे में और बेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। राइट यहां तक तो क्लियर हो गया। ये सभी वो स्टूडेंट थे जो प्राइवेट में जॉब करना चाहते हैं या फिर फिलहाल में उनको करना है, भाई गवर्नमेंट तो सभी करना चाहते हैं लेकिन अभी फिलहाल में ये करना चाहते हैं, उन कैटेगरी वाले बच्चों की मैंने बात कर दी है। सो स्टूडेंट चलिए अब हम बात करते हैं एसएससी जेई के बारे में। तो यहाँ पे देखो एसएससी जेई क्या है आपका देख सकते हो, एसएससी जेई ये है आपका गवर्नमेंट एग्जाम होता है आपका। यहाँ पे सबसे पहले देखो अबाउट एसएससी जेई में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को एसएससी जेई है ना यानी कि जूनियर इंजीनियर के लिए अगर एग्जाम देना है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए है ना, हम एलिजिबल कब होंगे इस एग्जाम के लिए। दूसरा चीज ये है, सेकंड चीज है सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या एसएससी जेई में भी इंटरव्यू होता है हमारा या फिर सिर्फ एग्जाम ही होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं भैया होते हैं, तो क्या कोई जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन आता है, एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, ये सारी चीजें इसके अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। राइट आपको मैंने बता दिया कि इस सिलेक्शन प्रोसेस में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, एलिजिबिलिटी में हम ये देखेंगे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की, यानी कि भैया हमें जेई में कितनी सैलरी मिलती है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो वीडियोस देख भी लोगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे उसके अंदर सारी चीजें बात करेंगे जो सिर्फ डिप्लोमा लेवल के लिए आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी की, भैया सैलरी क्या हो सकती है इसकी, हमें एक्सपेक्टेड सैलरी बताइए इसकी, एंड देन हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर। चलो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, अब आप हमें यह बताइए मुद्दे की बात पाइए कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी कि हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं एसएससी जेई के लिए, यानी कि अगर हमें एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो अभी से किस तरीके से करें। राइट तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कि भैया एग्जाम पैटर्न क्या है इसका है ना, एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है कि दो एग्जाम होते हैं, सबसे पहले अभी मैं क्लियर करता हूं इसके दो एग्जाम होते हैं, दोनों एग्जाम में क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है ना, पहले एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है, दूसरे एग्जाम में क्या क्या चीजें आती है। राइट ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और एक और चीज मैं बता दूं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं एसएससी जेई के लिए, मैं आपको बता रहा हूं जितनी चीजें मेरे को आती है वो सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं। राइट एंड उसके बाद यहां पे देखो उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट बुक के बारे में, यानी कि जितनी भाई मुझे बेस्ट बुक पता है मैं अपनी तरफ से आपको बता दूंगा, एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए और टेक्निकल के लिए। राइट इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, देखो इसमें भी स्ट्रेटेजी हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से अभी से है ना, अगर आप चाहते हो तो हल्का हल्का उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हो, यानी कि थोड़ा बहुत आप किस तरीके से रोज प्रैक्टिस करके एसएससी जेई की तरफ बढ़ सकते हो और आपको किस चीजों पर फोकस करना होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया ना, यानी कि देखो मैंने दोनों ही चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है। ये सबसे ज्यादा डिमांडेबल वीडियो था आप सबका कि भैया प्लीज इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाइए, एक तो आपका प्लेसमेंट हो गया, दूसरा एसएससी जेई के ऊपर प्लीज आप वीडियो बनाइए। तो देखो मैंने वीडियो बना दिया आपको और मैंने बता दिया भाई एसएससी जेई में हम सबको कवर करेंगे, एक प्लेलिस्ट बनेगी, किसी भी स्टूडेंट से अगर कोई भी वीडियो मिस हो जाती है भाई तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई भी वीडियो मिस हो जाती है ना तो मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, आप प्लेलिस्ट में जाना है ना, प्लेलिस्ट का ऊपर ऑप्शन आता है यूट्यूब खोलोगे तो, और वहां प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ एसएससी जेई वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसको देखना है, उसके अंदर के आप वीडियोस देख सकते हो अगर कोई अपलोड होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि यूट्यूब जो है ना अपनी तरफ से नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं भेजता है। एंड देन यहां पर कैंपस प्लेसमेंट के लिए जल्दी ही वीडियोस लाने वाला हूं, उसके लिए भी आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां भी आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, जितनी भी चीजें मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है, सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, हम जल्दी ही प्लेलिस्ट बनाएंगे इन दोनों के ऊपर और जल्दी ही आपके सामने सारी चीजें रिलीज करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे भैया आप कब से स्टार्ट करिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, यानी कि मई से हम ये सारी चीजें स्टार्ट कर दें। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है ना अभी तक आपने शेयर नहीं करा अपने क्लासमेट को तो सभी क्लासमेट को आप शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी मेहरबानी होगी ताकि उन सबकी भी हेल्प हो सके, आपके साथ साथ दो और लोगों की हेल्प, दोनों लोगों की मदद से और भी किसी की हेल्प होगी। तो प्लीज आप ऐसे करके चैन बनाइए ताकि हम एक लंबी सी चैन बना सके जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट हो हमारे। राइट यहां तक तो आपको क्लियर हो गया ना, तो चलिए हम इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो स्टूडेंट यहीं पे हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम देखेंगे कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर प्लेलिस्ट सबसे
सबसे पहले हम बनाएंगे एंड देन हम बनाएंगे एसएससी जेई के ऊपर, यानी कि दोनों को हम पैरेलली चलाएंगे। सबसे पहले मैं कैंपस प्लेसमेंट से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे सारी चीजों को लेके आऊंगा आपके सामने। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।